फिफ्थ क्लास, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर 4 एंड आज हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 2 HCF एनालिसिस। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने 1.9 की थी। अब बात यह है कि रिव्यू रह गई है, लेकिन रिव्यू रही नहीं है। जो क्वेश्चन रिव्यू के हैं वो सारे आपने पहले किए हुए हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको रिव्यू का, फिर हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1.9 हमने कर लिया, MCQs हैं, ये भी सारे आपने कैलकुलेट करके लिखने हैं, ढूंढने हैं, खुद ढूंढने हैं, ठीक है, इन्हें सॉल्व करके। जैसे ये है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट इन वर्ड्स, ये क्वेश्चन है, आपने राइट इन वर्ड्स में लिखना है इनको, ठीक है, इनको राइट इन फिगर्स में लिखना है। ये हम 1.1 में कर चुके हैं। अच्छा बच्चों, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, मींस बताने का ये है कि सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने इस चैप्टर में कर चुके हैं। ये मल्टीपल है, अच्छा ये डिवीजन है, ये एविलेट करना है आपने वही बोर्ड मैस रूल के अकॉर्डिंग, फॉलो रूल को फॉलो करना। इस तरह ये एविलेट करना है आपने, ये भी बोर्ड मैस रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करेंगे। ये 1.9 से है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला का, ठीक है, ये भी आप खुद करेंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला है किसी क्वेश्चन का, जो आप सैटरडे को वर्क अपना सबमिट करवाएंगे, तो फिर आप उसके ऊपर नोट कर देंगे या जो क्वेश्चन नहीं होगा वो लिख देंगे, ठीक है। अब है यूनिट नंबर 2, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो है HCF एंड LCM। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HCF। HCF होता क्या है? HCF हम किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका एब्रीवेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें पता चल रहा है कि हमने क्या करना है, इसमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमने इसके कॉमन फैक्टर्स को मेंशन करना है, यही मतलब है ना। अच्छा तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे 2.1, करना है कि हमने फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा बच्चों, अगर याद हो आपको तो हमने फोर्थ में पढ़ी है प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स पढ़े थे हमने, याद है, ट्री मेथड और डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के। इसमें आपने ऐसे नहीं करना कि आप 10 के फैक्टर्स लिख देंगे, 15 के, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, आपने प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें, और प्राइम नंबर्स कौन से हैं? जो सिर्फ 1 से और अपने ही नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल, अदरवाइज किसी से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो हमने वो नंबर लिखने हैं, सिर्फ हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किस तरह से हम डिवीजन मेथड के थ्रू इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? पहले 10 की करते हैं। अच्छा पहले हम चेक करते हैं 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 2 से फैक्टर्स बनते हैं, बनते हैं 10 के, 2 फाइव ज़ार 10, 5 वन ज़ार 5, देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, इट मीन्स ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 और 5। सेकेंड क्या है? 15। अब हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, नो, देखेंगे 3 से है, 3 से है कम्प्लीटली डिविजिबल, इस मीन्स हम इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, 3 फाइव ज़ार 15, 5 1 5। अब है 20, इस तरह हम 20 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से चेक करेंगे डिविजिबल है या नहीं है, 2 से डिविजिबल है ही, 2 1 2 0 ऐसे, फिर 2 से देखेंगे है, 2 से 2 5 ज़ार 10, 5 1 5 सही है। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन से? 2 and 5। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 3 and 5। फिर है
प्राइम फैक्टर ऑफ 20, टू टू एंड फाइव, सही है। अब हमने क्या फाइंड, अब हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए, अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स बताने हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 10, 15 एंड 20। अब 10, 15, 20 में जो भी कॉमन फैक्टर हमने बस वो बताने, ठीक है। अब देखेंगे तीनों में कौन सा नंबर जो है वो कॉमन है, तो 5 जो है वो कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 5, और यही HCF। अगर आ जाते हैं 2 से 3 नंबर कॉमन, ठीक है, तो हम लिखते हैं फिर हम प्रोडक्ट लेते हैं उनका, ठीक है। वो भी मैं एक आपको करके दिखा देती हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं ट्राई कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखा रही हूँ आपको, 20, 40 एंड 60। अच्छा 20 का तो ऑलरेडी बना हुआ है इधर, ठीक है। अब इस तरह 40 का बनाते हैं, 2 2 4 0, 2 1 2, 2 5 10, 5 1 5। अब इसी तरह 60 का बनाएंगे, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 1 5, सही है। अब इसी तरह हम इनकी भी लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 कौन से हैं, 2 2 5, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, 2 2 2 5, फिर अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60, 2 2 3 एंड 5। अब हमने देखना है कि कौन कौन से जो हैं वो तीनों में कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, और ये, ठीक है। अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 40 एंड 60। कौन कौन से, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स, वो है 2 2 5। अब देखें एक से ज़्यादा आ गया ना, मैंने ये करवाने का मकसद ये था कि इधर एक था ज़्यादा बात क्लियर नहीं हो रही थी। अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, टू टू ज़ार फोर, फोर फाइव ज़ार 20, तो ये इसका HCF, ठीक है। आपने जो क्वेश्चन करने हैं आज वक्त में वो आपने करने हैं, मैं बता देती हूँ आपको। इधर से आपने करना है 2, और इधर से आपने करना है 7 और 11, ठीक है। 2 7, 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 2 7 और 11, ये आपने 3 करने, लेकिन आपने जो ट्राई करने हैं, आपने प्रैक्टिस में करने हैं, आपने सारे क्वेश्चन करके देखने, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।